अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं आपका दोस्त सैयद मोहसिन फिर आपके सामने एक बार आया हूं। लोगों को बहुत उम्मीद थी कि मैं जब सीएम केसीआर के बारे में और उनके शराब पीने के बारे में और उनको फुर्सत नहीं है बोलने पर, कई लोगों ने मेरे वीडियो पर कमेंट किया है कि इसका पार्ट टू आएगा। इंशाल्लाह इसका पार्ट टू जो है मेरी सांस रुकने के बाद आएगा, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ हक बोलता हूँ, बगैर वेरीफाई करे और बगैर कोई चीज़ जाने मैं नहीं बोलता हूँ। मैं वो सीएम को सिर्फ इतना कहा था कि उनको अपनी शराब का बॉटल छोड़कर बाहर निकलने की फुर्सत नहीं है, वो हक है, आप सारे हैदराबाद से जान सकते हैं। चलिए आज उस मुद्दे से हटकर आज दूसरे मुद्दे पे आएंगे, जहाँ पर हमारे सीएम साहब ने सेक्रेटेरिएट और वहाँ के मस्जिदें और मंदिरों को शहीद कर दिया था। तो मैं जल्दी और बहुत ही चंद वक्त में, चंद लम्हे में आपको सीधे और सच्चे तरीके से बता दूंगा कि क्या हुआ था। जब हमारे सीएम साहब को ये पता चला था कि सेक्रेटेरिएट के सल्लार में से अंडरग्राउंड एक रास्ता है जो सैफाबाद पैलेस को जाता है, जब इनको पता चला तब से इनको बहुत बेचैनी थी, ये जानना चाह रहे थे कि उसके अंदर क्या है। और एक पेपर आर्टिकल के जरिए इनको ये पता चला था द हिंदू के उस सल्लार के अंदर, उस अंडरग्राउंड रास्ते के अंदर खजाना होगा। और तो इन्होंने उस खजाने की तलाश में धर्म और रिलीजन सारी चीज़ें, पैसे से बड़ा इनके लिए कुछ है नहीं, तो इन्होंने उसको तोड़ दिया। चलिए तोड़ दिया और मान लिया कि हमने मस्जिद तोड़ दी है भाई, हमने मंदिर को जो है दूसरी जगह तामीर करने का, वहाँ पर पूजा करके मूर्ति हटाई, ये सारे काम ठीक है। अब ये जो तोड़े हैं इसके ऊपर मस्जिद और मंदिर का मसला नहीं है, यहाँ पर इन्होंने तोड़ा है खजाना सेंट्रल से छुपाने के लिए, इंडियन से छुपाने के लिए, वो सारा खजाना लूट के खा जाने के लिए अंडरग्राउंड एक रूल बनाकर उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। और दूसरी चीज, जो ये फ्लूड इफेक्ट हुआ है हैदराबाद में, कई हैदराबाद के फैमिलीज मुतासिर हुए हैं, कई घर से बेघर हो गए, कई बच्चियों के शादियां रुक गए हैं, कई लोग अपनी जान दे डाले हैं, और आज भी उस्मान नगर में उसी तरीके से वही हालात से समंदरों की तरह पानी ठहरा हुआ है और वहाँ के घर डूबे हुए हैं, वहाँ के लोग आज भी मुतासिर है। और लोग आज हमारे लीडर्स, हमारे सीएम साहब रिलीफ फंड के नाम पर जो है एक स्कैम कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों का जो है पैसा अपने रिलीफ फंड में, जैसे पीएमओ स्कैम हुआ था, यू नो दैट, कि मोदी जी ने अपने पीएमओ रिलीफ फंड के नाम पर कोविड के टाइम पर कई कंट्रीज से पैसा मंगा लिया था। आज हमारे हैदराबाद के लोगों के, तेलंगाना के लोगों की मौतों को बताकर सीएम केसीआर पैसा वसूल रहे हैं अपने खानदान के लिए, ना के स्टेट के लिए, जिस स्टेट के लिए उनको मजबूरी में, मौत में और बेतहाशा गलीज हालत में, और मरहूम जो मर गए उनके घर तक जाने की फुर्सत नहीं है, उनको पैसा देने की कोई जुफ्तजू भी नहीं कर सकते सीएम साहब। तो और दूसरी चीज़, यहाँ पर मस्जिद और ये फ्लूट से क्या रिलेटेड है मैं बताता हूँ आपको। जिस स्टेट का सीएम खजाना हासिल करने के लिए मस्जिदों को, सेक्रेटेरिएट को तोड़ा सकता है, उस स्टेट के सीएम के सरपरस्त में रहने वाले छोटे लीडर्स जो है ना, नालों के रास्ते बंद कर सकते हैं, नालों को अंदर एक तालाब से दूसरे तालाब को जाने वाले पानी को ब्लॉक हो रहा नहीं हो रहा, उनको इतना इल्म नहीं है, वो थोड़े से हैं, अनएजुकेटेड है, क्रिमिनल्स हैं, और कई सारे केसेस उनके ऊपर है और वो इख्तियार में बैठ गए हैं, बैठकर अब जो है ना अंडरग्राउंड 40 फीट का जो है ना रास्ता था, वहां से एक तालाब से दूसरे तालाब को पानी जाता था, इनको क्या पता। इनको तो ये पता है कि भाई यहाँ पर खुली जमीन है, चलो यहाँ पर भरत करो, भर्ती कर दो, भरत डाल दो, फिर तालाब मूझ दो, प्लॉटिंग कर दो, और लोगों को, गरीबों को बेवकूफ बना दो, एक कलेक्टर को मैनेज कर लो, एमआरओ को मैनेज कर लो, पेपर्स बना दो और प्रॉपर्टी बेच दो, उस तरीके से ये प्लॉटिंग हुई है। और मैं चाह रहा हूं, और सारा हिंदुस्तान चाह रहा है, सारा तेलंगाना चाह रहा है कि इसके ऊपर इंक्वायरी हो, वो बिल्डर्स पे इंक्वायरी हो, वो कलेक्टर पे इंक्वायरी हो, वो जितने भी लोग इसमें मुलविस है उन सारों के ऊपर इंक्वायरी हो, और वो गरीब लोगों का हक मिलना चाहिए। अगर कोई नहीं तो मैं लड़ूंगा। और ये जो सेल्फी हीरोस है हमारे पास तेलंगाना में, सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस में नजर आएंगे आपको, सेल्फी हीरोज़ को और उत्तम कुमार रेड्डी को, जो प्रेजेंट एमपी है एक डिस्ट्रिक्ट के, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप कुछ कर नहीं सकते उनके लिए तो वहाँ पर जाकर उनका मजाक मत बनाइए। ये मेरी वॉर्न है आपको कि अगर आप कुछ कर सकते हो तो पेपर वर्क करिए, बार बार जाकर उनके साथ फोटो खींच के मजाक मत बनाइए। आप तेलंगाना की आवाम को कुछ नहीं दे सके, आप तेलंगाना बोल चुका है कि आप एक फ्लॉप लीडर हो तेलंगाना की कांग्रेस के लिए, आप नहीं हो सकता तो दूसरों को मौका दीजिए और दूसरों को चांस दीजिए। अगर आपको कुछ करना है तो उन सारे लोगों के ऊपर पिटीशन डालिए। आपको नहीं पता है कि वो FLT लैंड है और वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, आप बाहर जाकर उनका मजाक क्यों बना रहे हो भाई।
क्या चाह रहे हो आप उनसे, तो मैं इनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और ये सारे जितने भी सेल्फी लीडर्स हैं अपना प्रमोशन के वास्ते वहाँ पर जा रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और सारे हिंदुस्तानियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उस्मान नगर के लिए लड़िए, वो हज़ारों फैमिली जो मुतासिर है उनके लिए लड़िए, उनके हक के पैसे, उनके जो रजिस्ट्री अमाउंट है वो पैसे दिलाइए, नो एंट्री अमाउंट है वो पैसे दिलाइए, उनके बच्चियों के लिए पैसे इकट्ठा करिए। मैं लड़ूंगा, आप भी लड़िए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।